दुर्ग जिले के भिलाई 3 चरोदा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 12 डबरापारा में डायरिया के फैलने से करीब 25 से ज्यादा लोग ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला वार्ड 12 डबरापारा क्षेत्र का है, जहां गंदा पानी पीने से 25 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए। 2 लोग अस्पताल में उपचार कराकर ठीक हो गए हैं। सूचना मिलते ही नगरपालिका निगम और स्वास्थ्य विभाग कमला सक्रिय हो गया है और वार्डवासियों का स्वास्थ्य का परीक्षण करना प्रारंभ भी कर दिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने वार्ड में जाकर जगहों का मुआयना किया, जिसमें डायरिया फैलने की मुख्य वजह पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह है। लोगों द्वारा गंदा पानी यहां पर पिया गया। वहीं वार्ड पार्षद तुलसी राम ध्रुव ने नगरपालिका के महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार परिस्थितियों की शिकायत करने के बावजूद भी महापौर और निगम के अधिकारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप डायरिया वार्ड में फैल रहा है। इस आरोप पर महापौर निर्मल कोसरे ने पलटवार किया। करीबन 4 से 5 दिन हो गया कंटिन्यू 4 पेशेंट 5 पेशेंट ऐसे कर करके 25 पेशेंट डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं। और मैं तो ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं ये निगम प्रशासन की काम करने के जो तरीके हैं उनके कारण ये डायरिया फैल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन नगर निगम से मैं बार बार शिकायत किया हूँ कि पाइपलाइन लीकेज है, 4 से 5 जगह लीकेज है, लेकिन वार्ड जो इंजीनियर है वो बात को केवल सुनते हैं और हमारे वार्ड में काम के लिए कोई अमल नहीं करते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे अधिकारी, महापौर से इतने दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि सीएम हाउस और बिट्टू का दबाव लगातार अधिकारियों के ऊपर बना रहा है कि बोले हैं कि कोई भी बीजेपी वार्ड के पार्षदों का काम नहीं कर रहे हैं, ताकि लोग उनसे चिढ़ेंगे, नाराजगी होंगे और उनके प्रति वो विद्रोह करेंगे। यह ऐसा सोचकर महापौर हम लोग के वार्ड में सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आज अगर डायरिया से किसी घर का अगर कोई इंसान का निधन हो जाता है तो कितने दुख की बात है कि सारा चीज होने के बाद, सुविधा होने के बाद हम उस परिवार को राहत नहीं दे पा रहे हैं। आज 4 लोग भर्ती हैं, 2 बच्चे हैं और 2 बड़े लोग है ना। तो मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस पर गंभीर ध्यान दें और ये जो काम है उसको ठीक करें। अभी तक कितने लोग प्रभावित है डायरिया से? डायरिया से 25 लोग प्रभावित हैं। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से मैं सतत जानकारी ले रहा हूँ, 10% कल की स्थिति में प्राप्त हुआ था और कल 3 लोग और नए पेशेंट अभी मिले हैं। वो 100 लोगों का उपचार के उपरांत उनको छुट्टी दी गई है और कल जो 3 पेशेंट हैं उनकी अभी जांच चल रही है। लगातार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर निगम की टीम जो है वहाँ पर भिड़ी हुई है। जैसे ही पता चला स्वास्थ्य विभाग के अमला वहाँ पर डटे हुए हैं, मैं भी अभी निरीक्षण करने वहाँ पहुँच रहा हूँ। कमिश्नर साहब भी लगातार वहाँ पर हैं। नल रिपेयरिंग की जो काम है वो 2 दिन से चल रहा है, कल त्यौहार की वजह से नहीं जा पाए थे लेकिन आज भी लोग जा रहे हैं। मैं लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा, चूँकि बरसात का मौसम है और इस समय में मौसमी बीमारी और इस तरह से रोग फैलना लाजमी है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे लोगों से, कृपया पानी को जो उबाल कर पिए और कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम से शीघ्र ही अपना संपर्क बनाने की कष्ट करें। देखिए, डायरिया जो है ये तो फैलने वाली बीमारियां हैं जो बरसात के समय में अधिकांश देखने को मिलता है। मैं इसमें कतई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं। भूपेश सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको रास नहीं आ रही है। विकास कार्य की यदि आप बात करेंगे, आप आज के रिकॉर्ड में आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम भिलाई चरोदा में हमारे 40 वार्ड हैं, सर्वाधिक जो विकास काम है उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में जहां पर पार्षद है वहां हुआ है। हमारी जो सोच है या भूपेश सरकार की जो सोच है, सबको साथ लेके चलने की सोच है। लगातार वहाँ पर जिस डबरापारा की आप बात कर रहे हैं, जैसे जैसे समस्याएं आती जा रही है वो समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है और उनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं रहा है। लगातार वहां पर पाइपलाइन के संधारण के काम किए जा रहे हैं। अब तक मैं आपको बताऊं कि 21वीं बार वहां केबल की चोरी हो गई। लगातार नगर निगम प्रशासन को या तो परेशान करने के नाम से इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। कल भी आप देखे होंगे, आप गए होंगे तो वहाँ केबल फिर से चोरी हुई। मैंने इंजीनियर को जानकारी ली, मेरे जानकारी में 20वीं बार था और कल 21वीं बार केबल की चोरी हुई। तो इस तरीके से
मानवता के आगे हम सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए और जो भी इस तरीके से अब काम करते हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू का खतरा न बन सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।